Hello everyone, welcome back to my channel. Today I'm going to sharing a detailed notes on a micronutrient and macronutrient. This is the topic of environment from the fourth semester of MSc Chemistry. So firstly, we discuss what is a micronutrient and how we describe the micronutrient in a detail. So firstly, micronutrients are essential for plant growth and play important role in a balanced crop nutrition. यानी कि जो micronutrient होते हैं वो आपके प्लांट की ग्रोथ के लिए एंड उसका जो भी लाइक फ्यूचर होता है, जैसे जैसे उसके फ्रूट्स होते हैं एंड उसके जो भी लाइफ जर्नी होती है, उसके लिए आपके जो माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं वो नेसेसरी होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल, माइक्रोन्यूट्रिएंट आर लाइक अ बोरॉन, क्लोराइड, CuFe, MnMo, Ni, and Zn. ये सभी एग्जाम्पल हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट के. माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट आपका बीएड में भी हैं एंड साथ ही साथ आपके जो एग्जामिनेशंस होते हैं स्टेट के वहां पे भी ये टॉपिक है, तो ये सभी के लिए इक्वली इंफॉर्मेटिव है. सेकंड वन इज प्रोपोर्शनेट टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी न्यूट्रिएंट, प्लांट नीड अ मच स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट. यानी कि जब हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी न्यूट्रिएंट को देखते हैं तो जो प्लांट के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट की जरूरत होती है वो काफी कम मात्रा में होती है. However, their importance is still great. A shortage of micronutrient can limit plant growth and copper yields, or sometimes plants can be dead. यानी कि जो इनकी कम मात्रा में importance होती है but वो इतनी important होती है कि इनकी कमी की वजह से हो सकता है कि plant की growth ना हो, या बहुत time होता है कि आपका plant जो है वो ख़त्म ही हो जाता है. Now move on to the second one, which is macronutrient. Essential element used by plant in a relatively large amount for a प्लांट और सॉइल कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट. मैक्रोन्यूट्रिएंट मीन्स आपको नाम से ही जो समझ आता है, जिनकी जरूरत आपको ज्यादा अमाउंट में होती है, ठीक है, वो आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज द फंक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट. द मेजर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर. सो ये एग्जाम्पल हैं कि मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या होते हैं. अगर आप स्टेट लेवल का एग्जाम देते हो तो वहाँ आपके लिए सिर्फ नेमिंग आती है विच इज़ माइक्रो एंड विच इज़ मैक्रोन्यूट्रिएंट, ठीक है. बट एमएससी के लिए आपको डिटेल में उस टॉपिक को क्लियर करना होता है. साथ ही साथ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के जो भी नोट्स मैंने आप सबके साथ शेयर किए हैं उन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट भी चेकआउट कर सकते हो. देन ऑल सिक्स न्यूट्रिएंट्स आर इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ सॉइल एंड प्रमोट प्लांट ग्रोथ. सो ये आपका माइक्रो एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट का डिटेल में रिव्यू था. आई होप आपका जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया.